हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दशहरा आने वाला है। कई साथी लोग रावण का चेहरा बनाने के लिए प्रयास करते हैं। मैंने बहुत ही कम खर्चे में एक रावण का चेहरा बनाया है जो कि थर्माकोल के ऊपर है। एक 1.5x3 का थर्माकोल लिया है, थोड़ा मोटा थर्माकोल लिया है जिससे कि टूटा ना और रावण के ऊपर लग जाए। मैंने इसके ऊपर ड्राइंग करा है, ये ड्राइंग कर रहा हूँ चौक से। ऐसे ड्राइंग करके और फिर इसके ऊपर कलर करेंगे, कलर पेंटिंग करेंगे, जो बहुत इजी है। आप इसी माध्यम से कोई सा भी पेंटिंग कर सकते हैं। इसके अंदर फैब्रिकली कलर का उपयोग किया है। आप पिगमेंट कलर से या दूसरे और भी कलर आते हैं, सस्ते कलर आते हैं, उनका उपयोग भी कर सकते हैं। ये सब वाटर बेस्ड कलर है, इसके अंदर पानी मिक्स हो जाता है और अपन इसको काम कर सकते हैं। ये मैंने रेड कलर लिया है जिससे आउटलाइन बना रहा हूँ। ऐसे आउटलाइन बना के ये सब फैब्रिक कलरों का उपयोग किया है। हाँ तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे बने रहिए। आप पूरा वीडियो देखें ताकि आपको पूरा काम देखने को मिले। मेरे कई साथी लोगों का सुझाव आया है कि एक रावण का फेस डालें बनता हुआ। उस आग्रह पे मैंने एक पेंटिंग करा है रावण का चेहरा, जो कि आसान तरीके से बनाया है एक पूरी थर्माकोल के ऊपर। इसके अंदर मैंने सब हाक ब्रशों का उपयोग किया है, कड़क बालों का स्केच किया है। ये सब कड़क बाल के, ज़्यादा नरम बाल लेंगे, ज़्यादा सॉफ्ट बाल लेंगे तो बराबर चलेंगे नहीं। जहाँ सॉफ्ट बाल का ज़रूरत है वहाँ सॉफ्ट ब्रश लेना पड़ते हैं। कलर भरने के लिए सॉफ्ट ब्रश के होना बहुत ज़रूरी है। ये पूरा हाक ब्रश है जो ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है। ये पूरा शेड मिलता है बाज़ार में। ये पीला कलर में वाइट कलर मिक्स किया और उसमें थोड़ा रेड मिक्स करा है। ये सारे फ्लोरोसेंट कलर हैं। फ्लोरोसेंट कलर पाउडर भी आते हैं बाज़ार में, जिससे बाइंडर मिला के बना लिए जाते हैं। बाज़ार में आजकल सारे कलर बने बनाए उपलब्ध हैं जो महंगे पड़ते हैं। अगर आपको कलर बनाना आता हो, फ्लोरोसेंट कलर बाइंडर में घोल के अच्छा सा फेंट के आप उसका उपयोग कर सकते हैं तो आप अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं। आप फेस बना के मार्केट में बेच सकते हैं। लोग रावण का धड़ बना लेते हैं और चेहरा नहीं बना पाते हैं, जो कि चेहरा दूसरों से खरीदते हैं। आप अच्छे चेहरे बनाकर अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं। इसी सोच के साथ मैंने ये पेंटिंग की है, जो आप इससे अर्जेंट मनी कमा सकते हैं, आप व्यवसाय कर सकते हैं इससे। मैं भी व्यवसाय करता हूँ, मेरा भी फेस बनाने का बहुत बड़ा कारोबार है। मैं 3 फीट के रावण से लेके 101 फीट तक के रावण के चेहरे मेरे पास हैं, फ्राइवर के चेहरे हैं, जो कि आने अगले चैनल अगले एपिसोड में मैं दिखाऊंगा आपको। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिले। और पेंटिंग के अंदर बहुत धैर्य देने की ज़रूरत है,
एकाग्रता की जरूरत है। कर्णों के साथ में यह भी एक संगीत है जो कि स्वर और ताल की जरूरत होती है। ऐसे ही कलरों को मर्च करना पड़ता है। कलरों को बहुत ही बारीकी से मर्च करना पड़ता है जब जाके कोई फेस बनता है, पेंटिंग बनती है। हाँ तो फ्रेंड्स, यह मैंने इस पे ब्लैक कलर का उपयोग किया है। ब्लैक कलर से डायरेक्ट ब्लैक कलर से खोला है। ये डायरेक्ट ब्लैक कलर से खोलने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ इफेक्टेड दिखे। ये मुकुट के अंदर फ्लोरसेंट कलर का उपयोग किया है। ये पीला फ्लोरसेंट कलर है जो अच्छा इफेक्ट देता है। हाँ तो फ्रेंड्स, आपको मेरा चैनल, मेरा काम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें
लाइक करें एवं शेयर करें। अगले वीडियो के लिए